धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं आपके ज़रिए बढ़ती हुई लोकसंख्या के बारे में बोलना चाहूँगा। सर, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसमें एक विचारधारा ऐसी है कि मनुष्य बल भारत के पास और बढ़ेगा, बड़ी उपलब्धि है और यह मनुष्य बल काम करेगा और देश को आगे बढ़ाएगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये, बट सर टू गेट डिविडेंड वी हैव टू इन्वेस्ट इन इट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड विच इज़ अ ग्रेट चैलेंज फॉर अस बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस और 70% ही जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसे हमें एक तत्परता से सामना करना चाहिए। हमारी जो जनसंख्या है उसमें देखेंगे तो गरीब और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है जिन उनके परिवारों में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए उनके पोषण और शिक्षा के प्रति उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं और स्टंटेड ग्रोथ, माल न्यूट्रिशन या कुपोषण शरीर की परेशानियां बढ़ते रह रही है। दूसरी तरफ जो सधन और शिक्षित है उनके पास रिसोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से और वैसे भी उनको एक या दो बच्चे होने की वजह से सामाजिक विषमता बढ़ रही है। तो हम यदि पूरा पॉपुलेशन का यदि स्टडी करते हैं तो ये दो ग्रुप्स अलग अलग हो रहे हैं और इससे विषमता बढ़ रही है। हम ये मैं गंभीरता इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि 3 माह में हम एक इसराइल पैदा करते हैं, 6 माह में एक स्विट्ज़रलैंड पैदा हो रहा है और 1 साल में एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं। सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो भी आबादी बढ़ रही है उसको नेशनल इमरजेंसी मान के पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक अलग सेल गठित किया जाए, एक कमीशन बिठाया जाए और उसके ऊपर वार फ्रंट में काम होना चाहिए ताकि ये जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट होकर हम उसका फ़ायदा ले सकें।